नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं RSI की मदद से किस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। तो सबसे पहले समझना यह है कि RSI जब भी 30 पॉइंट से नीचे रहेगा, यानी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरसोल्ड जोन में है। जब भी ओवरसोल्ड जोन में रहेगा तो बाय का सिग्नल बनता है, और जब ओवरबाउट जोन में रहता है यानी 70 पॉइंट से ऊपर आ जाता है तो ओवरबाउट जोन हो जाता है, जो सेल सिग्नल बनता है। ठीक है ना। देखो जैसे इसमें यहाँ पे कहाँ गया, 30 से नीचे गया यानी ओवरसोल्ड जोन में गया तो बाय सिग्नल बना। ठीक है ना। जितने भी पॉइंट पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे आया ओवरसोल्ड जोन में आया, यहाँ पे देखो ओवरसोल्ड जोन में आया बाय का सिग्नल बना। ठीक है ना। ओवरसोल्ड जोन में आया बाय का सिग्नल बना, और ओवरबाउट जोन में आता है सेल का सिग्नल बनता है, ओवरबाउट जोन में आता है सेल का सिग्नल बनता है। देखो एग्जैक्ट यहाँ से ओवरसोल्ड जोन से, यहाँ ओवरबाउट जोन से यहाँ से रिटर्न हो गया है। तो अगर मान लो हम लोग निफ्टी 50 पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस तरह का सिग्नल फाइंड करने के लिए हमें 50 स्टॉक को देखना पड़ेगा, सबका चार्ट देखना पड़ेगा। तो मुश्किल है ना, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो क्यों ना कोई एक ऐसा टूल हो जिसकी मदद से हम लोग कुछ सेकंड के अंदर फाइंड कर लें। तो जिसके लिए मैं बना रखा हूँ यहाँ पे, जैसे ही इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पेज को अगर आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। ठीक है ना। जिसमें आपको करना क्या है, बस यहाँ पे कनेक्ट का पे क्लिक करना है। ठीक है ना। कनेक्ट पे क्लिक करने के साथ ही कनेक्ट हो जाए। आपको फर्स्ट टाइम वार्निंग भी आ सकता है, मैं इसको पहले भी ओपन कर चुका हूँ कई बार, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आपको अगर फर्स्ट टाइम वार्निंग आता है तो आपको रन एनी वे कर देना है। रन एनी वे करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ये ग्रीन टिक हो गया ना, ये अब कनेक्ट हो गया। अब जब कनेक्ट हो जाएगा तो बस आपको सिंपल सा करना है कि रन टाइम पे आकर के यहाँ पे रन ऑल पे क्लिक कर देना है। रन ऑल पे क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे वार्निंग आ गया ना, तो रन एनी वे कर देना है आपको यहाँ से। ओके, रन एनीवे कर दिया हमने, और ये पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। कुछ लाइब्रेरी में इंस्टॉल किया हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, उसके कारण ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ये इंस्टॉल नहीं रहता है इसमें। तो ये सब काम आपको कुछ टेक्निकल चीज़ों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार रन कर देना है। और ये देखो डाउनलोडिंग हो भी गया, तब तक 7.79 सेकेंड हुआ, और इतना में तब तक डाउनलोड हमारा कम्प्लीट हो गया। यहाँ पे बाय सिग्नल के लिए इतना आया है, और यहाँ पे सेल सिग्नल के लिए इतना है। तो ये किस में है, किस टाइम फ्रेम में है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में है। आप कोई भी टाइम फ्रेम अपने अनुसार यहाँ पे सेट कर सकते हो। टाइम फ्रेम कहने का मतलब यहाँ पे इंटरवल से है। ठीक है ना। जो हम लोग टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, जैसे 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट देखना होता है तो 15 मिनट, 1 आवर, इस तरह से देखते हैं। डेली वीकली जैसे ये 1 डे का है, और ये पीरियड यानी कितने रेंज तक में आपको देखना है। ठीक है ना। वो पीरियड, तो पीरियड यहाँ पे जैसे 6 मंथ का है यहाँ पे, और इंटरवल में इंट्राडे चार्ट लेता हूँ, जैसे 1 आवर। 1 आवर करने का मतलब है 60 मिनट। ठीक है ना। 60 मिनट का हमने कर दिया यहाँ पे, और पीरियड 6 मंथ यहाँ पे रखते हैं। देखो अब यहाँ पे समझना है कि अगर 60 मिनट से नीचे यानी 1 आवर से नीचे करना है, तो आपको यहाँ पे 1 मंथ से ज़्यादा नहीं रखना है, 1 मंथ ही रखना है मैक्सिमम। ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे RSI सिग्नल फाइंड करना है, तो यहाँ पे 15 मिनट कर देना है, और यहाँ पे 1 आवर कर 1 मंथ कर देना है। ठीक है ना। 1 MO। ठीक है ना। लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे 60 मिनट में यानी 1 आवर में, तो हम लोग ऐसे ज़्यादा भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे 60 मिनट कर सकते हैं। बस अब आपको क्या करना है, सेकेंड टाइम कुछ भी आप एक बार रन कर चुके हो तो बस आपको सिर्फ इस सेल को रन करना है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे नीचे में डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है ना, 50 स्टॉक है, तो 50 पे डाउन काम कर रही है। देखो कुछ सिर्फ 9.51 सेकेंड लिया, और 23 बाय फाइंड करके दिया है ना, 23 स्टॉक अभी बाय रेंज में है और 1 सेल रेंज में है। तो जैसे देखते हैं अदानी पोर्ट्स का, सपोज 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने देखा है, तो चलो देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें अदानी पोर्ट्स पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। अदानी पोर्ट्स देखो, अदानी पोर्ट्स में यहाँ पे आ गया ना, 50 स्टॉक में से 23 आपको फाइंड करके दिया, जिसमें से आपको एक अदानी पोर्ट्स पे भी चेक करें, तो आधा तो आधा से भी कम हो गया, 25 से कम हो गया है ना। तो अब कुछ सेकंड के, 9 सेकंड, मुश्किल से 9 सेकंड लगा था इसके अंदर आपको फाइंड होकर के मिल गया यहाँ पे। देखो जब जब ये ओवरसोल्ड जोन में गया है ना, तो बाय सिंगल बना है। यहाँ पे भी देखो जहाँ जहाँ पे ये ओवरसोल्ड जोन में गया है तो बाय सिंगल बना है, कितने ज़्यादा में हो गया। तो आप इजीली इस तरह से फाइंड कर सकते हो, बस वहाँ पे आपको पीरियड और इंटरवल चेंज करना है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ उस चीज़ों को, यहाँ पे आपको करना क्या है इसमें चेंजिंग, बस थोड़े से चेंज करने हैं। यहाँ पे जब आओगे तो इंटरवल है, इंटरवल में आप कोई भी टाइम ले सकते हो टाइम फ्रेम,
यहाँ पे इतने सारे टाइम फ्रेम है इंटरवल में, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इंटरवल आप 60 मिनट यानी 1 आवर से कम रखते हो तो आपको यहाँ 1 मंथ से ज़्यादा का पीरियड नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके बाद ये बहुत ही मस्त काम करेगा। इस तरह से आप इजी RSI का सिग्नल फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बहुत ही कम समय में ढेर सारे सिग्नल मिल सकते हैं बाय एंड सेल के। अगर सपोज निफ्टी 500 का करना है तो आप यहाँ पे 500 का लिस्ट लगा लो, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला बोर्ड पाइथन बेस्ड, इसकी मदद से हम लोग ट्रेडिंग क्या करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में भी ढेर सारा बोर्ड बना करके देने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को निश्चित रूप से प्रेस करके रखो।